आप सभी भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे सभी साथी। अच्छी न्यूज़ ये है कि आंसर की आज आपकी आ गई है और आप सबने देख ली होगी मुझे उम्मीद है, और अपना स्कोर भी आपने सभी ने पता कर लिया होगा कि हमारा स्कोर क्या बैठ रहा है आंसर की के तहत। तो सभी साथियों से मैं चर्चा करूंगा कि आपकी अब जो कट ऑफ है फर्स्ट पेपर की टायर वन की अगर बात करते हैं तो क्या रहने वाली है, और वैकेंसी आप सबको पता है कितनी है, और आगे की मैं रणनीति बताऊंगा सेकेंड पेपर पे। आप मेरे सभी साथी, सभी मेरे भाई बहन ऐसे पढ़ लेना, मैं उम्मीद और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, प्रॉमिस करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे और बहुत अच्छा स्कोर आप एग्जाम में करेंगे। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उस बात पे भी आप सभी से चर्चा करूंगा। आंसर की आप सभी को पता चल गया है, कम मार्क्स वाले आगे ज्यादा मेहनत करें। बार बार कह रहा हूं कि कम मार्क्स जिनके हैं मेरे भाई और बहनों के, कोई भी साथी निराश ना हो, आगे अच्छे से मार्क करें। बस अपना पहला अगर पेपर आप क्लियर कर रहे हैं और बॉर्डर पे भी क्लियर कर रहे हैं तो सेकंड पेपर के लिए जी जान लगा देना। रणनीति मैं आपको अभी बता दूंगा कि आप उस पर काम कर लेना, आप कमेंट करना कि आपको रणनीति कैसी लगी, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपने कमेंट में नंबर जरूर बताना दोस्तों। नंबर आप सभी, मुझे उम्मीद है मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताएंगे। और अगर हम बात करें कि वे 100% सटीक मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको रणनीति बता देता हूं कि सेकंड पेपर के लिए आप सभी एक काम करिए कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पिछले तीन प्रीवियस ईयर पेपर लेना जो पिछले तीन बार हुए हैं, उसको लेने के बाद आपको क्या करना है कि उनको तो अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपको उसके अलावा क्या करना है, चारों ऑप्शंस है क्वेश्चंस के, जो भी चारों ऑप्शंस है आप उनको अच्छे से सभी को पढ़िए कि क्वेश्चन के चारों और ऑप्शन की आपको जानकारी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो भी जानकारी मिलती है साथियों, पेपर मोस्टली पेपर आपका 70 से 80% पेपर वहीं से आपका बन जाएगा। बस आप उसको अच्छे से पढ़िए, बाकी जो आपने पढ़ा है उसकी भी प्रैक्टिस करिए, उसको मत छोड़ना। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा किसी को भी, लेकिन उन पेपर्स को अच्छे से पढ़ के और चारों ऑप्शंस को अच्छे से आप तैयार करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों कि वहां से आपको 70% से पेपर अधिक देखने को वहां से रखा मिल जाएगा, और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करना कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ इस बार अच्छी खासी जाएगी। आप सभी को बता दो कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल था, बहुत ज्यादा हाई लेवल पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट। सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स पेपर से बहुत खुश थे। मेल कैटेगरी की बात करता हूं और फीमेल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं, आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम है जहां पे फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ मेल कैटेगरी से ज्यादा हाई जाती है। उसका रीजन आप सभी जानते होंगे मुझे उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल जर्नल में, आप देखिए अगर आप यहां से अपने आपके मार्क्स इतने हैं जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा जो भी मुझे पर्सनली कमेंट्स आए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी मैसेजेस मिले हैं उनके द्वारा ये कम कट ऑफ जो है, और पिछली जो बार कट ऑफ गई थी उसको भी देखते हुए इस कट ऑफ को मैंने तैयार किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे संतुष्ट होंगे, और जो भी मेरे भाई बहन इस कट ऑफ से संतुष्ट है और जो मेरी रणनीति से संतुष्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कमेंट करना, लाइक कर देना और सभी इस परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं बहुत अच्छे से आगे भी मैं आपको ऐसे ही गाइडेंस देता रहूंगा, सभी साथियों से मैं प्रॉमिस करता हूं, और आप अपना प्यार और सपोर्ट और अपना सहयोग हमेशा बनाए रखना। आप सभी को वीडियो को देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू सभी को।